गरियाबंद के पीपरखेड़ी थाना क्षेत्र में बीते माह 19 सितंबर को एक महिला की हुई हत्या का खुलासा हो गया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी निकला। शादी करने से बचने के लिए उसने जंगल में महिला की गला घोटकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को एक गड्ढे में छुपा दिया। बता दें कि ग्राम कोचई मुड़ा निवासी सुरेश कुमार सोरी ने अपनी पत्नी जयंती बाई की गुमशुदगी की मौखिक सूचना पीपरखेड़ी थाने में दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे दिन एक महिला का शव जंगल में संदिग्ध हालत में मिला, जिसकी पहचान जयंती बाई के नाम से हुई है। मामले की पड़ताल में जो कहानी सामने आई उसके अनुसार महिला हमेशा घर में ही रहती थी। गांव के प्रीतम ओटी नामक व्यक्ति का उससे घर आना जाना लगा रहता था। दोनों में प्रेम संबंध बन गया था। प्रतिका उससे शादी करना चाहती थी लेकिन लोक लाज के डर से आरोपी प्रेमी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, जिससे उसने मौत की साजिश रची। ये घटना थाना पीपरखेड़ी के कुचरमेड़ा गांव की है, जिसमें प्रीतम कोटी नामक आरोपी ने जयंती बाई नामक महिला का गला दबा के हत्या किया था। ये अवैध प्रेम प्रसंग के चलते हुआ था। ये जो जयंती बाई है, जो मृतिका है, वो आरोपी प्रीतम मोटी के साथ रहना चाहती थी। इसी और जो आरोपी प्रीतम मोटी है वो अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसी चक्कर में उसने गला दबा के हत्या।